हेलो दोस्तों, मैं हूं संतोष निकम। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बैक बेंचर्स ऑफ स्टॉक्स। चलिए गाइस, शुरू करेंगे आज के वीडियो को। कल जो भी मैंने आप लोगों को लेवल्स दिए थे उन लेवल्स के साथ में, तो गाइस बैंक निफ्टी और निफ्टी के जो भी मैंने लेवल्स दिए थे, 37,930 का एक लेवल दिया था, इसके ऊपर आप लोग को बाई करना था। लेकिन गाइज आज थोड़ा सा गैप पे ओपनिंग होने के कारण आप लोग को यहाँ पे एक बाई साइड वाला एंट्री नहीं मिला था। लेकिन अगर आप लोग इसको एक लोअर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो 37,996 का ये जो लेवल है, इस लेवल पे आप लोगों को सही साइड पे डेफिनेटली एक अच्छा खासा मोमेंटम जो है वो देखने को मिला था। उसके बाद से गाइज जो बैंक निफ्टी है वो कंप्लीट साइडवेज चली गई थी, कोई मूव नहीं था। सेम चीज़ मैं कहूँगा निफ्टी के साथ में भी हो गई थी। यहाँ पे गैप अप के बाद में एक बड़ी सी रेड कैंडल बन गई थी और उसके बाद में एक कंप्लीट सा साइडवे वाला मोमेंटम था। ये था 17,820 का हमारा लेवल। अगर कोई कैंडल इसका लो ब्रेक कर देती थी तो हम लोग को पुट साइड में एंट्री आ जाती थी, लेकिन ये ऊपर के साइड में चला गया और उसको ऊपर के साइड में भी कुछ ज़्यादा फोर्स नहीं था। यानी कि एक कंप्लीट साइडवेज मार्केट को आज हम लोगों ने देखा है पूरे दिन भर के लिए। इसके बाद में गाइस हम लोग देखेंगे अभी कल जो मैंने आप लोगों को इंट्राडे के लिए स्टॉक्स दिए थे उनकी लेवल्स क्या है और उनके सीईपी पे भी आप लोगों को कहाँ पे ट्रेड मिला। तो गाइस देख लीजिए, यहाँ पे आप लोगों को एक एंट्री जो है अगर आप लोगों ने करना चाहोगे तो ये जो फर्स्ट कैंडल थी जो कि आपकी इनिशियल कैंडल थी, तो इस कैंडल के बेसिस पे आप लोगों की इसकी अगली कैंडल जो भी इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगी इस लेवल के ऊपर आप लोग को बाई करना था। लेकिन किसी लेवल को इसने क्लोजिंग नहीं दिया था और अगर किसी ने इस लेवल पे सीधा स्ट्रेट एंट्री लिया भी होगा तो भी एटलीस्ट आप लोग को टारगेट वन जो है वो मिल गया रहेगा। यहाँ पे देख लीजिए आप लोगों का जो एंट्री जो है सेल साइड वाला स्ट्रॉन्ग एंट्री एक्टिवेट हो गया। क्यों हो गया था? क्योंकि देख लीजिए ये एक इसका परफेक्ट जो है कंसोलिडेशन जोन मैं कहूँगा हो गया था। एग्जैक्टली इस लेवल से फॉल आया था और ये हमारा सेलिंग साइड का लेवल था। जब हम लोग सेल कर रहे थे तो देख लीजिए यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो गेन हो गया। आगे इससे पहले जब ये ऊपर जा रहा था तो इसमें कोई वॉल्यूम नहीं था, लेकिन जब ये नीचे आ रहा था तो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ में आ रहा था। तो यहाँ पर हम लोगों ने पुट का ट्रेड किया था यहाँ पे, यानी कि इसके पी में ट्रेड लिया था और डेफिनेटली अच्छा खासा मोमेंटम जो है वो हम लोग को इसमें देखने को मिला था। IRCTC जो है गाइज इसे बाई करना था 3,702 के ऊपर, 3,864 का इसने आज हाई लगाया, यानी कि 150 पॉइंट्स सिर्फ एक सिंगल कॉल में हम लोग को मिले हैं जो कि काफ़ी अच्छा और शानदार मोमेंटम है। मेट्रोपोलिस थर्ड कॉल थी गाइज, सेल करना था 3,062 के नीचे, आज इसने लगभग लो लगाया है 2,910 का, यानी कि इसमें भी आप लोगों को लगभग 100 पॉइंट से ज़्यादा का मोमेंटम मिला है कैश पे। तो जाहिर सी बात है इतने ही मोमेंटम आप लोगों को इसके ऑप्शन के चार्ट पे भी मिली होगी। इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा कहता रहता हूँ कि ऑप्शंस यानी कि पैसा छापने की एक मशीन है। जिस किसी को मशीन चलाना आ गया समझ लीजिए उसको शेयर मार्केट भी आ गया। तो गाइस इस लेवल्स के बेसिस पे आज हमारी एक्यूरेसी 117 एपिसोड्स तक बरकरार है 100% की। कोशिश रहेगी 365 एपिसोड्स ऐसे बनाओ जिसमें आप लोगों को लॉस ना हो। चलिए शुरू करेंगे कल के दिन के लिए लेवल्स के लिए। इससे पहले गाइस अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यहाँ पे जो भी बेहतरीन एनालाइज्ड कॉल्स जिसकी एक्यूरेसी 100% है वो पोस्ट करते रहता हूँ, साथ में लॉजिक्स भी आप लोग को देते रहता हूँ, तो सारी चीज़ें आप लोगों को अपडेटेड हो सके और आप सीखते रहें और आप लोग कमाते भी रहें। अगर साथ में गाइज अगर आप लोग कमा रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल का जो लिंक है उसको भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं ग्रो होते जाऊँगा डेफिनेटली आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे जो एजुकेशनल वीडियोज़ है उसका सीरीज जो है वो मैं लाते रहूँगा। तो गाइज ये जो भी लोग अभी तक मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो नहीं कर रहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे मैं अपने बेहतरीन ऑप्शन बाइंग के कॉल्स पोस्ट करते रहता हूँ। साथ में निफ्टी बैंक निफ्टी के मेरे मैजिकल लेवल्स भी वहाँ पे मैं शेयर करते रहता हूँ, तो सारे अपडेट्स आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट में एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइज पहली कॉल रहेंगे कल के दिन के लिए टाइटन की। टाइटन पे आप लोगों को सीधा सीधा यहाँ पे देख लीजिए एक डबल डॉप बॉटम वाला फॉर्मेशन दिख रहा है। यहाँ से आप लोगों के नीचे के साइड से मैं कहूँगा ट्रेंड लाइन जा रहा है, तो ये आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे जो एक ट्रेंड लाइन जा रहा है ये आप लोगों के लिए सपोर्ट का काम करेगी। अपसाइड में अगर मोमेंटम आ गया तो 2092 के ऊपर आप लोग इसे बाई करेंगे। 96, 2102 और 2108 अपसाइड के लेवल्स होने वाले, 2082 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। इन केस अगर ये पैटर्न फेल कर देता है और जो आप लोगों को यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिखाया अगर इसके नीचे ट्रेड करता है तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है ऊपर से और एक ट्रेंड लाइन आ रही है, दोनों को ब्रेकआउट देकर के नीचे के साइड में आ जाते हैं तो डेफिनेटली दोनों ट्रेंड लाइन्स इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करने वाली है। तो इस बेसिस पे 2082 के नीचे हम लोग इसे सेल करेंगे। 78, 72 और 68 डाउन साइड में टारगेट्स रहेंगे। 2092 हमारा
स्टॉप लॉस रहेगा। गाइस हमेशा आप लोगों को 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज़ करना है अगर आप लोग इंट्राडे करते। वैसे तो 10 मिनट्स भी कुछ लोग यूज़ करते हैं या फिर एग्रेसिव ट्रेडर्स इससे कम वाला टाइम फ्रेम भी यूज़ करते हैं, लेकिन 5 मिनट एक दोनों के बीच में का अच्छा टाइम फ्रेम है जिस पर मैं खुद ट्रेड करता हूँ, तो इसमें काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी भी मिल जाती है हम लोगों को। तो आपकी जो एंट्री है और आप लोगों का जो स्टॉप लॉस है, दोनों चीज़ें जो है गाइज वो होनी चाहिए कैंडल स्टिक के क्लोजिंग बेसिस पे, यानी कि पिन लगा करके आपके ऑर्डर हिट करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए आप लोगों से कहूँगा ऑर्डर लगा करके मत रखिए अगर आप लोग बाई कर रहे हैं या फिर अगर आप लोग स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, तो वेट कीजिए। अगर कोई कैंडल उस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाता है तो आप लोग एंटर कर सकते हैं, या फिर अगर स्टॉप लॉस है तो आप लोग स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हैं। अगली कॉल रहेगी गाइस गोदरेज कंज्यूमर की, 1447 के ऊपर हम लोग बाई करेंगे क्योंकि ऊपर से एक स्लोपिंग ट्रेंड लाइन आ रहा है जिसको इसने रीटेस्ट कर दिया है। अपसाइड में गया तो अच्छा खासा मूव जो है हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 1052, 61 और 67 आप लोगों के अपसाइड के लेवल्स होने वाले हैं, 37 आप लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा। इन केस अगर ये पैटर्न फेल हो जाता है, डाउनसाइड में आ जाता है, तो जाहिर सी बात है यही लेवल्स इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करने वाली है, तो वो बेसिस पे हम लोग इसे सेल भी कर सकते हैं 1037 के नीचे, 1047 के स्टॉप लॉस के साथ में। तो 1032, 1027, 1021 आप लोगों के लिए डाउनसाइड के लेवल्स होने वाले हैं। इसके बाद में गाइस जो थर्ड कॉल रहेगी वो रहेगी HDFC बैंक की। HDFC बैंक में देख लीजिए आज आप लोगों को एक 3-4 कैंडल्स अर्ली मॉर्निंग में मिले थे, उसके बाद में एक कंप्लीट साइडवे वाला मोमेंटम है, तो उस बेसिस पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस वाला ट्रेंड लाइन बैठ रहा है जिसको इसने कम से कम 3 बार आज टेस्ट किया। हो सकता है ये कल के दिन में 4th टाइम इसको टेस्ट करते टाइम पे इसको ब्रेकआउट दे दे, तो वो बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड वाला मूव HDFC बैंक में आ सकता है 1631 के ऊपर। 3640 और 45 अपसाइड के लेवल्स होने वाले, 21 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। इन केस अगर पैटर्न फेल हो जाता है तो भी एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन जोन है, अगर इसको ब्रेकआउट दे देता है अच्छे वॉल्यूम के साथ में तो डेफिनेटली डाउनसाइड में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल सकता है। 1621 के नीचे हम लोग सेल करेंगे 31 के स्टॉप लॉस के साथ में। 1712 और 1606 आप लोगों के डाउनसाइड के लेवल्स होने वाले हैं। इसके बाद में गाइज हम लोग देखेंगे हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। सारे लेवल्स मैं आप लोगों को फ्यूचर के चार्ट पे देते रहता हूँ गाइज, ताकि अगर आप लोगों का कैपिटल बड़ा है तो आप लोग सीधा फ्यूचर पे ट्रेड कर सके, अगर कैपिटल छोटा है तो आप लोग इसके CEP पे भी ट्रेड कर सके, इसीलिए मैं आप लोग को फ्यूचर के लेवल्स देते रहता हूँ। साथ में गाइज इसका वॉल्यूम भी दिखता है, स्पॉट में वॉल्यूम नहीं दिखता है या फिर स्पॉट पे आप लोग इंडिकेटर्स नहीं लगा सकते, इसलिए मैं फ्यूचर को हमेशा प्रेफर करता हूँ ट्रेडिंग के टाइम पे इसको इस्तेमाल करने के लिए। तो गाइज अगर यहाँ पे जो भी एक्यूरेसी मैं देता हूँ इसमें मल्टीपल कन्फर्मेशंस के साथ में देता हूँ, सारी एक्यूरेसी के बेनिफिट्स आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में उठा सकते हैं, यानी कि आप लोग मेरी प्रीमियम सर्विसेज से फ्री ऑफ कॉस्ट में जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं अलायंस ब्लू का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है, उस लिंक थ्रू आप लोगों को अपना अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट होने के बाद में ओपन होने के बाद में आप लोग मुझे टेलीग्राम पे उसका स्नैपशॉट भेज सकते हैं, मेरी टीम आप लोगों को मेरे प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर देगी। उसकी एक्यूरेसी क्या हो सकती है जो लोग कई टाइम से फॉलो कर रहे हैं वो लोग अच्छे से जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते वो लोग कुछ दिन तक फॉलो कर ले आप लोग जान जाओगे। सारी प्रीमियम सर्विसेज को आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइज निफ्टी के लेवल्स हम लोग देखेंगे फ्यूचर के चार्ट पे। 17,900 के ऊपर बैंक निफ्टी बुलिश हो जाएगी, 934, 974, 18,012, 18,065 अपसाइड के लेवल्स होने वाले हैं। इनसाइड इन केस अगर बाइंग नहीं आती है तो 17,830 के नीचे सेल करेंगे। 797, 768, 732 आप लोगों के लेवल सुने अभी गाइज यहाँ पे निफ्टी, अगर बैंक निफ्टी को अगर आप लोग ठीक से देखोगे तो यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन चल ही नहीं रहा है। पिछले कुछ दिनों से देख लीजिए मार्केट पूरे दिन भर फ्लैट ओपनिंग दे देता है, अगले दिन आपको ओपनिंग गैप अप हो जाती है, फिर दिन भर साइडवेज चला जाता है, फिर गैप अप ओपन हो जाता है, फिर थोड़ा सा मोमेंटम दे देता है, फिर गैप अप ओपन हो जाता है, यहाँ पे गैप अप हो गया था आज तो 18,000 के लेवल पे, फिर गैप अप ओपन हो जाता है, फिर डाउन साइड में आ जाता है। तो हो सकता है अगर कल इसको ऊपर जाना हो तो ऑपरेटर फिर से इसको गैप अप कर लेंगे और फिर इसको बाद में नीचे की तरफ लेकर के आएंगे। हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे, हम लोग देखेंगे अगर हमारे फेवर में मार्केट आ रहा है तो ही हम लोग ट्रेड करेंगे, नहीं आ रहा है तो हम लोग इग्नोर करेंगे, स्टॉक ऑप्शंस पर ट्रेड करेंगे। आप लोगों को भी मैंने 3 स्टॉक्स दे करके वो हैं,
रखे हुए, इनकी एट द मनी या फिर इन द मनी स्ट्राइक प्राइजेस पे आप लोग सीपी पे भी ट्रेड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को बैंक निफ्टी निफ्टी पे ही ट्रेड करना है, ऑप्शन में सारे ऑप्शंस में अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, चाहे वो बैंक निफ्टी निफ्टी के ऑप्शंस हो या फिर चाहे वो स्टॉक ऑप्शंस हो। तो गाइस यहाँ पे 38,290 के ऊपर बैंक निफ्टी का फ्यूचर बुलिश हो जाएगा, 38,388, 492, 589 और 723 अपसाइड के लेवल्स होने वाले हैं। आज इसने भी काफ़ी अच्छा खासा साइड वेज वाला मोमेंटम आप लोग को दे दिया है, कल भी चांसेस है ये यहाँ पे ऊपर के साइड में ओपन हो जाए और फिर धीरे धीरे लुढ़कते छुपाते छुपाते नीचे के साइड में चला जाए। तो वो अगर इसका जो नीचे आना होता है ना गाइस, इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं होता है और स्ट्रेंथ ना होने के कारण इसमें कुछ मज़ा भी नहीं आता। ये गैप अप वाला जो सिस्टम है ना, वो मेरे को पहले से पसंद नहीं है बीटीएसटी वाला। हालांकि हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे हैं बीटीएसटी ट्रेड्स में, लेकिन फिर भी ये मुझे पहले से पसंद नहीं है बीटीएसटी और ये जो गैप अप और गैप डाउन हो जाता है। क्योंकि होता क्या है गाइस, ये साइडवेज मोमेंटम को कई सारे लोगों ने प्रेडिक्ट किया हुआ है डाउन साइड में, जो कि है नहीं डाउन साइड में, क्योंकि इसने कई सारे बार रेजिस्टेंस को फेस किया है और ये अपसाइड वाला ही मूव है इसको। लेकिन ये सब लोगों के ऐसे लेते लेते जा रहे हैं और इसमें अगर कुछ पुट साइड वाले अगर रिटेलर्स पैसा कमा रहे होते तो डेफिनेटली गाइज मैं भी खुश हो जाता कि चलो कोई ना कोई कोई गंवा रहा है तो कोई कमा रहा है। लेकिन इसमें होता क्या गाइज कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे किसी ने कॉल साइड पे ये लेवल पे एंट्री ले ली और वो एंट्री लेने के बाद में नीचे आ गया, लेकिन सेल साइड में एंट्री नहीं आ गई तो हम लोग को स्टॉप लॉस ही हिट नहीं, हम लोग वेट कर रहे हैं कभी से कि कोई कैंडल नीचे क्लोज हो, फिर से इसने इसी लेवल पे पिन बनाया फिर से ऊपर चला गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं तो हम लोग का तो टाइम डीके में ही लॉस होते जा रहे हैं, ये बैंक निफ्टी ना तो ऊपर जा रहा है या ना तो नीचे जा रहा है। और फिर हम लोग ने क्या किया, एंड में हम लोग का बाई यहाँ पे ब्रेकआउट पे बाई किया था, हम लोगों ने यहाँ पे मार्केट बंद होते होते सारे MIS ऑर्डर जो है वो ऑटो स्क्वायर ऑफ हो गए, हम लोग का थोड़ा बहुत लॉस हो गया, एग्जिट कर लिए और कल जाके मार्केट यहाँ पे खुलेगा। तो हम लोग को जो एनालिसिस है उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है, कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है कि यार यहाँ पे हम लोग ट्रेड कर रहे थे और सीधा गैप अप ओपन हो गया, कल अगर इसको नहीं निकाला होता तो बहुत अच्छा होता था, और अगर कोई अगर रख देते तो कल के दिन में यहाँ पे नीचे हो जाएगा, फिर ऐसा लग जाता है यार इस लेवल पे निकाल दिया रहता था कल मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे तो कम लॉस होता था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है गैप अप और गैप डाउन की, इसीलिए ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करना अच्छा होता है। और पिछले कुछ दिनों से मार्केट जो है वो ज़्यादा ट्रेंडिंग नहीं चल रहा है, गैप अप गैप डाउन हो जाता है, उसका जो भी डेली टारगेट है वो तो वैसे ही कंप्लीट कर देता है। 38,130 के नीचे बैंक निफ्टी बियरिश हो जाएगी, 38,056, 972, 887 और 774 डाउन साइड के लेवल्स होने वाले। तो गाइस ये मैंने आप लोगों को लेवल्स दे करके रखे हुए जो कि मेरे मैजिकल लेवल्स है, इसमें मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ। साथ में गाइज मैंने आप लोगों को 3 स्टॉक्स भी दे करके रखे हुए हैं, इस स्टॉक्स के कैश पे आप लोग ट्राई कर सकते हैं यानी कि ट्रेड कर सकते हैं या फिर इसके CEPE पे भी ट्रेड कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को बाई सेल दोनों साइड के लेवल्स दे करके रखे हुए, जिस किसी भी साइड में ये एक्टिवेट हो जाएगा कैंडल क्लोजिंग के बेसिस पे आप लोग उस पर ट्रेड कर सकते हैं। ओके गाइज तो ये मेरे बेहतरीन लेवल्स थे, साथ में मैंने आप लोगों को मेरे बेहतरीन कॉल्स भी दे करके रखे हुए, इनके साथ में सेफली ट्रेड कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज।